हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं फ्रेंड मामा अंसारी, आप सभी लोगों का आहान शेट्टी तारा सुतारिया की फिल्म तड़प के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन ऑडियंस ऑक्यूपेंसी एंड शो काउंट एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई है? वेल फ्रेंड्स, न्यू फिल्म रिलीजिंग टुमारो, ऑब्वियसली बटरफ्लाइज इन द स्टमक, नया स्टार किड लॉन्च होने जा रहा है। सुनील शेट्टी का बेटा है, बहुत ही ज्यादा गुडविल इंजॉय करते हैं अन्ना इंडस्ट्री में। एंड कल इस फिल्म का पावर हाउस कहते हैं ना, एक पावर शो प्रदर्शन हुआ, शो ऑफ पावर हुआ कल। किस तरह से एनजी ने इसका फार प्रीमियर रखा था, कौन नहीं आया था वो पूछो मेरे खाली, कौन कौन आया था बता दूंगा, कौन नहीं आया था, एवरीवन। मैन सलमान खान द मोस्ट सिक्योर एक्टर वी हैव, उनकी खुद की फिल्म चल रही है, हैदराबाद में अंतिम प्रमोट करने गए एंड स्टेज पर लोगों को ये भी कह दिया कि आप लोग कल आहान शेट्टी की फिल्म आ रही है उसको प्लीज जाके देखिए। एंड कल जब प्रीमियर पे आए, आहान की फोटो को पप्पी दिया, किस किया, उनको इतना बेस्ट विशेस दिए उनके प्रीमियर पर। एंड गाइस, कल जो प्रीमियर हुआ है, द रिपोर्ट्स आर एब्सोल्युटली किक एस मैन। आई थिंक आहान शेट्टी विल सरप्राइज अस। मुझे ट्रेलर में थोड़ा उनकी डायलॉग डिलीवरी सुनाई नहीं दी थी, इसलिए मुझे लगा कि ही माइट नॉट बी एबल टू इमोट, वो तो कल ही पता चलेगा इफ ही कैन इमोट और नॉट। लेकिन गाइस, द रिस्पॉन्स इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। अगर उन लोगों ने RX 100 से ऑलमोस्ट मिलता जुलता 20-30% का भी इम्पैक्ट ला दिया ना, वो दर्द, वो तड़प जो आहान शेट्टी महसूस कर रहा है, कल अगर ऑडियंस महसूस कर ली, देन दिस विल बी अ ब्लॉकबस्टर। एंड गाइस, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इसकी जो कलेक्शंस है कितने होने वाले हैं, शो काउंट कितनी होने वाली है। चलिए इसके एपिसोड शुरू करते हैं। बट फ्रेंड्स, तड़प विल मेनली डिपेंड ऑन द वॉक इन ऑडियंसेस, द कॉलेज गोइंग ऑडियंसेस। एंड आज जब मैं मरक्कर देखने के लिए गया था, अच्छा खासा कॉलेज क्राउड आया था, यानी कि जो कॉलेजेस हैं वो खुल चुकी हैं यहाँ पर कई जगहों पर। एंड वो किड्स जो सुबह के ये शोज फिल किया करते थे वो वापस थिएटर्स में आ चुके हैं। तो ये वॉक इन ऑडियंसेस, ओवर द काउंटर टिकट सेल्स, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स, आशिक, ये सारे के सारे लोग कल के मॉर्निंग शोज को पैक टू कैपेसिटी करेंगे। एंड दिस फिल्म इज गिविंग मी द सेम वाइब जो मलंग ने दिया था। मलंग वो तो स्लो स्टार्टर लेकिन काफी अच्छी चली थी बॉक्स ऑफिस पे। एंड इसके जो गाने हैं, हाँ तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया है, वो तो हर जगह बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 31 मिलियन व्यूज आ गए हैं। तेरे सिवा जग तेरे सिवा, वो गाना भी काफी अच्छा है, ट्रेलर भी काफी ज्यादा हद तक अप्रिशिएट किया गया। तो गाइस, कल वॉक इन ऑडियंसेस आएंगी, एडवांस भी फिल्म का ठीक ठाक चल रहा है। अब हम बात करेंगे इसके शो काउंट के बारे में। देखिए गाइस, अंतिम चल रही है, सूर्यवंशी भी चल रही है बॉक्स ऑफिस पे, SMJ 2 का बोरिया बिस्तर बंद हो चुका है। अब गाइज, यहाँ पर मुंबई में इसको मिले हैं 670 शोज, एक बहुत ही स्ट्रांग नंबर होता है तड़प जैसी फिल्म के लिए। एंड डेफिनेटली कल ये बॉक्स ऑफिस नंबर्स लेकर आएगा। अब गाइज, बात करें मुंबई की, तो 7 हाउसफुल शोज है, ये एक बहुत बड़ा साइन है कि ऑडियंसेस आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दिस फिल्म। बात करो गाइज फास्ट फिलिंग शोज की, तो 50+ फास्ट फिलिंग शोज है एंड 15% की ऑक्यूपेंसी, यानी कि ऑक्यूपेंसी भी इस फिल्म की अच्छी खासी है, दमदार है। बात करूं गाइस दिल्ली NCR की, तो दिल्ली NCR में इसके पास 435 शोज है, 435 शोज है, जो कि काफी अच्छा नंबर है। 3 हाउसफुल शोज है, 12 फास्ट फिलिंग शोज है, 8% ऑक्यूपेंसी, यानी कि तड़प कल सरप्राइज कर सकती है, अच्छा खासा सरप्राइज कर सकती है। गाइस नया हीरो है, एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा नहीं है, तो जो भी कलेक्शंस आएगा वो सर आंखों पर। अब गाइस बात करें बेंगलुरु की, तो बेंगलुरु में 135 शोज है, वेरी गुड नंबर, 6% ऑक्यूपेंसी। बात करो चेन्नई की, तो सिर्फ 27 शोज में इट इज एट 53% ऑक्यूपेंसी, 8 ऑलमोस्ट फास्ट फिलिंग एंड 2 हाउसफुल शोज, यानी कि तड़प इज गेटिंग इन द नंबर। इसको हल्के में लेना हमारी नादानी और बेवकूफी होगी। बात करो पुणे की, तो पुणे में 120 शोज है, काफी अच्छा नंबर है, 11 फास्ट फिलिंग शोज है, 18% की ऑक्यूपेंसी है। बात करूँ कोची की, तो कोची में फिलहाल अभी कोई फिल्म रिलीज होने की हालत में नहीं है, क्योंकि मरक्कर रिलीज हुई है, बिगेस्ट रिलीज एवर, तो सिर्फ 5 शोज मिले हैं, 2% की ऑक्यूपेंसी। बात करूँ कोलकाता की, 145 स्ट्रांग शोज, 9% ऑक्यूपेंसी, वेरी स्ट्रांग। बात करें अहमदाबाद की, अहमदाबाद इज ऑन फायर, 200 शोज मिले हैं, 19% ऑक्यूपेंसी एंड 15 फास्ट फिलिंग शोज। इसलिए गाइज माय प्रेडिक्शन फॉर तड़प ऑन इट्स फर्स्ट डे एट द इंडियन बॉक्स ऑफिस विल बी 4-5 करोड़ रुपीज। एंड अगर कल वॉक इन ऑडियंस आई
एंड ये 5 करोड़ के ऊपर कमा दिया मेरा भाई, इट विल बी अ जैकपॉट। एंड एनजी ने इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट किया, लेट्स सी, करीब 4 से 5 करोड़ डेफिनेटली कमाने की क्षमता रखता है। तो कल मिलेंगे जब हम इस फिल्म को देखने के लिए जाएंगे थिएटर में, आपको दूंगा रिस्पॉन्स किस तरह से हमारी पब्लिक आई है, इसका रिव्यू मैं जरूर करूंगा। ओके गाइस, आई होप आज का एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स, बताइए तड़प पहले दिन कितना कमाएगी। ऑल द बेस्ट आहान शेट्टी, मे यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन द इंडस्ट्री। स्टे कूल मैन।